आपने अभी हाल में सिमोनू राव पर भी फिल्म बनाई एक, जिसका दूरदर्शन से प्रसारण हुआ, और इसके पहले आप रामदयाल मुंडा जी पर भी फिल्म बना चुके हैं। तो इन दो व्यक्तित्व हैं, शख्सियत जो हैं, इनको क्यों ये आकर्षित हुए इन दोनों की ओर? पहले तो बताइए मुंडा जी के बारे में क्या हुआ। देखिए, हम लोग का आदिवासी समाज अपने से इतिहास गढ़ने का बहुत कम सोचता है। ये हमको थोड़ा मन में खलता है, दुख लगता है कि हम अपने लोगों को नहीं नहीं पहचानते पहचान अच्छी पाते तरह। हैं। इनसे पहले जयपाल सिंह के ऊपर देखिए ना, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, जबकि अंबेडकर के देखिए, उनके ऊपर लाखों किताब लिख चुके हैं लोग, तो उनके ऊपर मतलब कितने काम हो हाँ रहा है, लेकिन जयपाल सिंह को हम लोग यूं ही छोड़ दिए। तो हम लोग अखाड़ा में वैसे ही चर्चा की कि भाई, ये जयपाल सिंह को छोड़ दिया गया है तो मुंडा जी को अगर छोड़ देंगे तो ये भी ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो इनका जो व्यक्तित्व है, एक तो बुद्धिजीवी पर्सनालिटी के रहे और सांस्कृतिक कर्मी रहे, इसलिए इनको दुनिया में जाना भी जाता है। झारखंड में तो जानते ही हैं लोग, झारखंड आंदोलन के समय इनका क्या महत्व रहा वो सब जानते हैं। अच्छा, आप तो उनके काम को देखने के लिए अमेरिका भी गए, अमेरिका शूट करने के लिए। जैसे उनके बारे में कहा जाता है कि लोग जाते हैं अमेरिका तो अमेरिकी रंग में रंग जाते हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे शख्स थे जो अमेरिका गए और अमेरिकियों को झारखंडी रंग में रंगे। तो कुछ जरा वो अनुभव आपके उनके साथियों से जो मुलाकात की, वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं देखिए, क्या चीज। वहां पर अगर केरोल को देखते हैं, मेरी बेबी केरोल, उनको अगर देखते हैं, वो कितनी खूबसूरत बांसुरी बजाती है उसे पता चलता है। और उनके जो फोटोग्राफ्स हैं, उनका जो कल्चरल टीम का फोटोग्राफ्स, वो बहुत खूबसूरत है। मैं लाल पार खूबसूरत फोटो का हम नहीं कह रहे हैं, खूबसूरत अच्छा ये कह रहे हैं कि विदेशी महिलाएं लाल पार साड़ी पहन के नाच रही हैं, मुंडा जी ढोल बजा रहे हैं, और भी इनके साथी हैं, जैसे कलकत्ता के उनके साथी हैं, बंगाली कोई दोस्त बंगाली लोग दोस्त हैं, वो नगाड़ा बजा रहे हैं। तो ये जो खूबसूरती जो देखने को मिलता है फोटोग्राफ्स से, वो समझ में आता है कि भाई, ये झारखंडी रंग में रंगने की कोशिश की वहाँ के लोगों ने। नहीं तो और मेरी जो है, मेरी केरोल बेबी, क्या मेरी बेबी केरोल, हाँ, वो तो इतनी अच्छी बांसुरी बजाती है, उनकी छात्रा रही हैं। बांसुरी बहुत अच्छा बजाती हाँ, हैं। तो ये तो अजूबा है कहना चाहिए कि भाई, विदेश में उनका इस तरीके से, यहाँ से लोग तो अपना क्या बोले, सब छोड़ के चले जाते हैं, वो अपने साथ ढोल नगाड़ा लेके गए। ये बहुत हमको अच्छा, अंदर से लगता है कि अच्छा, इसके अलावा वहाँ पर कुछ बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात हुई, उनके गुरुजी वगैरह से मुलाकात हुई। तो वो जो उनके गुरुजी रहे, वो मुंडा जी के किन बातों को याद करते थे? मुंडा जी को कौन सी खासियत थी जिसको कि वहाँ अमेरिकी लोग याद करते थे, वो मैं जानना चाहूँगा। एक तो है कि वो, उनका कहना था कि एक बहुत शांत किस्म का लड़का था लेकिन मेहनती था। और खासकर मुंडा जी भी बोलते थे, जब हम बैठते थे, बैठ के बात कर रहे थे, उसमें बोलते थे कि भाई, हम तो यहाँ से आलू और चना लेके गए थे, और घड़ा में मैं रोज दिन चना को फुला के रखते थे, घड़ा में मतलब लाइब्रेरी का कोना में रख देते थे और उसको वो खाते थे। तो जब क्राइसिस पीरियड में उस तरीके से वो, चना खा के रहे। हाँ, चना और आलू खा के रहे, तो अच्छा, ये है। तो उनका गुरुजी का भी वैसे ही, उनका मेन चीज तो काम, मेन चीज तो काम। उनके गुरुजी भी काफी तत्परता के साथ काम किए, यहाँ इंडिया में आए, पूरा नॉर्थ ईस्ट का भाषा और यहाँ झारखंड का भाषा और दक्षिण भारत का भाषा के ऊपर काम किए, गारो खासी, यहाँ मुंडा संथाली, मैं जितने भी आदिवासी समाज के जो भाषा है, भाषा को लेकर काम किए, और उन भाषा पर काम में जो ये जो सहयोग किए। रामदयाल मुंडा हाँ, जी। उनके दोस्तों का कहना तो ये भी था कि, खासकर जो लाइब्रेरियन है, उनका कहना था कि नॉर्मन जाइड, उनके जो गुरुजी रहे हैं, वो मुंडा जो कितना सिखाए या नहीं सिखाए वो कम पड़ता है, लेकिन मुंडा जी से वो ज्यादा सीखे। अच्छा, ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई, एक चलिए, गांव का आदमी ये यहाँ अमेरिका से वहां जाता ने है, एक अमेरिकी विद्वान को सिखाया विद्वान को ऐसा। सिखाया। ठीक है, तो चलिए। अच्छा,
आपने फिर जो मुंडा जी पर जो फिल्म बनाए और अभी आप आ गए सिवन उराव जी पर, तो सिवन उराव जी पर जो फिल्म आपने बनाई वो किस लिए आपने, मतलब कौन सा बात आपको अट्रैक्ट करता था, आप खींचता था उसको रोज फिल्म बनाने के लिए? हाँ देखिए, जब डॉक्टर रामदयाल के ऊपर जब बनाए वो पूरी तरह से एक बायोपिक के रूप में रहा उनके जीवन पर, लेकिन मैं इनको पूरा बायोपिक नहीं कहता हूँ, मैं इनका दो ही चीज को पकड़ा। अच्छा। पहला चीज इनका जो काम है पानी के ऊपर, काम पानी के ऊपर, हाँ काम पानी और पर्यावरण दोनों बोल सकते हैं, और दूसरा चीज इनका फिलोसफी हमको बहुत अच्छा। अभी आपने बताया कि सिमोन उराव का जो दर्शन है प्रकृति से जुड़ाव का, जरा इसको हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सिमोन बाबा का कहना है कि भाई हम लोग को जो पृथ्वी जो मिला है, धरती जो मिला है, जल जंगल जो मिला है, कोई आदमी या सरकार नहीं दिया है हम लोग को भगवान दिया है, लेकिन हम लोग का संभालने का काम है, लेकिन संभालने के बदले हम लोग उजाड़ रहे हैं। अगर चींटी को भी जगह देना है तो हम किस तरीके से जगह दें? अगर पानी में जो भी जंतु है उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, उसको कौन बचाएगा? अगर हम पानी की व्यवस्था करेंगे तब ना बचेगा वो। हम लोग जंगल उजाड़ दे रहे हैं तो चिड़िया कहाँ जाएगा? उनका कहना है कि भाई हम लोग तो जंगल ही उजाड़ दे रहे हैं, तो वहाँ जो जंगली जानवर हैं या तो चिड़िया है जो भी है उसका घर ही हम लोग उजाड़ दे रहे हैं। तो आदमी को एक संरक्षक की भूमिका में रहना चाहिए। ये कहना ये उनका बहुत कहना है, और उसको जितनी भी जो हमारी प्रकृति है उसको बचाना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए। ये क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान नहीं है बिल्कुल, लेकिन इतने बुद्धिजीवी हैं, वो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका जो बोलने का जो तरीका है वो बहुत, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन 14-15 साल की उम्र में वो अपने पिताजी से तर्क करता है कि मेरे लिए एक जोड़ा भैंस खरीद दो हल जोतने के लिए, एक जोड़ा भैंस खरीद दो हाथ हम हल जोतेंगे। पिताजी का कहना है कि इतने साल से हम लोग हल बैल कर रहे हैं, हम लोग का नाला पूरा बह जाता है, और तुम कैसे कर लोगे? बोलता है नहीं खरीद तो दो, हम कर लेंगे। और वो हल चलाता है, स्कूल छोड़ देता है, केजी क्लास ही पढ़ा होगा, वो भी कंप्लीट नहीं किया, और वो छोड़ देता है, और वो बांध बनाता है, छोटा छोटा बांध खेत को, खेत बनाता है, और हल जोत के अब पानी बचा लेता है, और वहां से उठकर बड़ा बांध बनाने का आइडिया। हाँ तो इस तरीके से वो, और दूसरों का खेत में बनाता है, इसी बात नहीं है, एक तो है ऊपर का खेत में जो है वो गांव वालों से मिलके बनाता है, लेकिन नीचे जो भी खेत है, जो भी बांध है, कुआं है, तो अपने खेत में करता है। उनका कहना है कि हमको, हम जब मांगते हैं तो दूसरे नहीं देते हैं, तो नहीं देते हैं तो कहां हम दिखाएंगे, हम अपना ही जमीन में बांध कुआं बनाएंगे तो लोग देखेगा, जब देखेगा इससे फायदा भी होगा, फायदा मिलेगा तो लोग हाँ, फिर आकर्षित होंगे। हाँ। तो उन्होंने उधर जो बेड़ों का इलाका है उसमें उन्होंने काफी काम किया है इसके जल संरक्षण पर। तो अब आप ये बताइए कि उनके जो काम है उसको और कहाँ कहाँ पर लोग सीख रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसा कुछ हाँ। उदाहरण होगा? बाबा का सबसे बड़ा दुख इसी पर है, बाबा सिमोन बाबा का, वो उनका कहना है कि लोग तो आ रहे हैं देख रहे हैं, सरकार के लोग भी आ रहे हैं देख रहे हैं, एनजीओ के लोग भी आ रहे हैं देख रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आके देख रहे हैं, लेकिन यहाँ देखने के बाद जाते हैं तो पर वो खुद से कोई उसको लागू नहीं करते। अच्छा अच्छा, ये उनका बहुत बड़ा दुख है। अच्छा, क्योंकि उनका कहना है कि किसान ही है सबसे बड़ा फैक्ट्री, अन्नदाता है, मशीन और जो फैक्ट्री से अनाज नहीं उपजाया जा सकता है, किसान ही है ऐसा आदमी है जो कि खेत में अनाज उपजाता है, सबसे बड़ा फैक्ट्री वही है, वही है। और हम लोग किसान को ही दरकिनार कर देते हैं, उनको जो सुविधा मिलना है वो नहीं मिलता है। अच्छा। पानी बिजली उनको दिया नहीं जाता है, कुआं की व्यवस्था हो नहीं रहा है, तो ये उनका वही है कहना, उनका कहना सही है,
कि भाई यहाँ आ रहे हैं, सरकार को भी चाहिए था तो वो भी सरकार है। जैसे एक बार अभी उनका सुंदरीकरण होना है, हो रहा है, कंप्लीट भी हो गया, वो बहुत दुखी थे। क्यों? कि वो करोड़ों का बजट था गवर्नमेंट का और श्रमदान से बनाए हैं, उस पर गवर्नमेंट करोड़ों का खर्चा कर रही है और क्या कर रही है कि बांध का जो मेड़ है उसको सुंदरीकरण कर रही है, ईटा पत्थर दे रही है। उनका कहना है कि ये बांध बहुत मजबूत है, अगर गहरीकरण कर देता, अगर 10 फीट अगर गहरीकरण कर दे 20 एकड़ में तो उसका जल स्तर कितना बढ़ जाएगा, उसका कैलकुलेशन वहां पर है। अच्छा, पानी ज्यादा कैसे बचाया जा सकता है, लेकिन जो सुंदरीकरण के नाम पर तो मतलब ये है कि जो आदिवासियों का ज्ञान है जल संरक्षण या उसके बारे में, तो उसको जो दूसरे लोग हैं वो उसको ठीक ढंग से समझ नहीं रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है, है ना? एकदम सही बात। अब हम लोग चर्चा करेंगे, आपने तो ठीक है मनोहर की बातचीत के सब कुछ हुआ है, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं जरा दूसरी बातों पर। आपने अपनी मातृभाषा में एक छोटी सी फीचर फिल्म भी बनाई है ना, सुना गई पिंजरा, मतलब सोने का पिंजरा ऐसा फिल्म बनाया, तो सोने का पिंजरा बनाने के पीछे कौन सा प्रेरणा था, कौन सी प्रेरणा थी कि सोने के पिंजरा आपने बनाया? बनाने का एक ही राज था मेरे अंदर, वो क्या है, झारखंड बने हुए करीब 10 साल हो गए थे, 10 साल होने के बाद भी हम ये महसूस कर रहे थे कि कर्म के दिन में झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी का नहीं। होना चाहिए, वो होता नहीं, सरहुल का भी छुट्टी नहीं था, तो ये सोहराय में भी नहीं, तो कम से कम ये जो दो पर्व खद्दी बोलते हैं कुल्लू में, सरहुल और करम, कम से कम ये दो में तो छुट्टी देना ही चाहिए, लेकिन ये नहीं होने का पीछे हमको लगा कि इसको हम किस तरीके से हम फिल्मांकन करें, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किए हम, हमको नहीं था कि भाई लोग पसंद करेंगे, लेकिन अभी YouTube में तो काफ़ी लोग हैं, 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग मैं उसको देख चुके हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन मेरा बनाने का मूल कारण वही रहा कि ये जो गवर्नमेंट क्यों छुट्टी नहीं देती है, यहाँ के झारखंड के त्योहार को, झारखंड बन गया लेकिन झारखंड के त्योहार को मान्यता नहीं दे रही है, ये कष्ट आपको था इसलिए आपने ये फिल्म बनाई। और देखिए सौभाग्य की बात है कि आपके फिल्म बनाने के बाद में कुछ सालों बाद अभी आप देखिए ये छुट्टी दोनों त्योहारों के लिए मिल रही है, तो ये आपका कैमरे का ताकत भी लगता है कि कहीं पर ये उभर कर, काफी जगह स्क्रीनिंग हुआ भी है। लेकिन अब हम चलेंगे दूसरी बातों पर जरा, अब आप देखिए कि ये जो झारखंड में बहुत सारे फिल्में आ रहे हैं और हमारे बच्चे भी, यहाँ के स्थानीय बच्चे भी बहुत सारे फिल्म के पढ़ाई करके आ रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि वो बच्चों को अपने रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, ऐसा क्या क्या तकलीफें हैं? देखिए एक चीज तो यहाँ जो लोग सोच के आ रहे हैं, यहाँ पर सुविधा नहीं है, पहला चीज सुविधा नहीं है, मतलब स्टूडियो की सुविधा नहीं है, हाँ, सारे चीज का मतलब फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, जब हम तो खासकर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट्री में तो एक कैमरा से काम चल जाता है, हाँ। एक कैमरा से काम चल जाता है, एक बेसिक लेपल मैक लगा दिए साउंड के लिए काम चल जाता है, लेकिन जो फीचर फिल्म बनाते हैं वो तो बहुत तामझाम है, उसका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो ये दोनों में फर्क है। शुरुआती दिनों में तो मुझे भी लग रहा था कि मैं ये फिल्म क्यों बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ, और VHS का जमाना था, 5-7 साल में वो डाटा खत्म होता था, तो हमेशा लगता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन देखते देखते चेंजेस आ गए, अभी डिजिटल एज में आ गए, तो अभी फिल्म बनाने का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, अभी के युवाओं को अच्छा फिल्म बनाने का मौका है, लेकिन खासकर झारखंड में यहाँ पर ये सुविधा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो भी फिल्में देख रहे हैं, अच्छी फिल्में देखने का मौका भी नहीं मिल रहा है,
जो भी देख रहे हैं तो बॉम्बे का फिल्म देख रहे हैं और वहाँ का जो देख रहे हैं और वहाँ का नकल कर रहे हैं, जब नकल करते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि अपने तरीके से, किस तरीके से अपनी बातों को रखें फिल्म के माध्यम से, अपनी समस्याओं, अपनी समस्याओं, अपने मुद्दों को, यहाँ की जो लोक संस्कृति है, लोक भाषा है या लोक कथाएं हैं या जो यहाँ के स्थानीय नायक हैं, उस पर भी जैसे फिल्म बनेगी तो शायद वो बेहतर बनेगी। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे फिल्में बनी हैं, अभी जो फिल्म बनी थी असम में विलेज रॉक स्टार, तो वो बहुत कम खर्चे में बहुत कम रहे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को इस तरह की फिल्मों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके बारे में आप जरा कुछ बताइए। इस पर मेरा एक ही चीज कहना है कि हम जो फिल्म बनाते हैं या बनाना चाहिए जब जो युवा वर्ग है, रीजनल फिल्म को किस तरीके से अपने दिल में गांठ बांध लें, ये होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि रीमा दास का फिल्म जो रॉक विलेज रॉक स्टार, तो उस तरीके से बहुत सारे फिल्में हैं नॉर्थ ईस्ट में, बहुत सारे फिल्में बना रहे हैं और अच्छे अच्छे फिल्म बना रहे हैं। अभी मुझे देखने का मौका मिला, छोटा सा पैकेज देखने को, उसमें लगा कि सही में ये लोग अपना फिल्म, रीजनल फिल्म जो बोलते हैं हम लोग, जो पैरेलल सिनेमा का अगर बात करें तो बॉम्बे का फिल्म और अपना फिल्म कहाँ पर रीजनल फिल्म, हाँ अलग है, शुद्ध झारखंड फिल्म जिसको कह सकते हैं। तो वो है, तो यहाँ पर बनाना चाहिए, अपना तरीके से एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। अभी क्या है यहाँ पर, जैसे फिल्म पॉलिसी की भी बात आती है बीच में, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, हमारे लोग फेल हो जा रहे हैं। वो हो क्या रहा है कि प्रपोजल तो दे रहे हैं गवर्नमेंट को, अच्छा दे रहे हैं, अब गवर्नमेंट पास कर दी, अब इनको बनाने के लिए पैसे नहीं इनके पास, अच्छा प्रोड्यूसर नहीं है तो कैसे बनाएगा। मेरा कहना है कि अगर उस प्रपोजल में अगर मान लिया 50-75% पहले से दे दिया जाता, उसको कंप्लीट होने के बाद देते तो फिल्म कंप्लीट हो जाता। अच्छा, तो प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा मेरे हिसाब से सर, लगता है कि भले उनको कुछ एडवांस दिया जाए ताकि वो फिल्म का काम शुरू कर सकें। और जब चयन होता है उसमें स्क्रिप्ट को देखे ना, अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो क्यों पास नहीं करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि बॉम्बे का डायरेक्टर आ जा रहा है बनाने के लिए और वो तामझाम के साथ बनाता है और फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जा रहा है। तो मतलब ऐसा लगता है कि झारखंड में फिल्म को हम लोग झारखंडी तरीके से और या बोलिए आदिवासी तरीके से, हाँ, या स्थानीय तरीके से जो स्थानीय कलाकार, स्थानीय समस्या, स्थानीय मुद्दों को लेकर जैसे नॉर्थ ईस्ट की फिल्में जो बन रही हैं, तो उस तरह की फिल्में बनाएंगे, बनाने का कोशिश करें तो संभवतः वो बेहतर होंगे, बहुत बेहतर होगा। हाँ। और बहुत आगे भी बढ़ेगा। हाँ। यहाँ हम अपना फिल्म बोल तो पाएंगे। हाँ। कि हमारा फिल्म है, झारखंडी फिल्म, हमारी अपनी फिल्म है। हाँ, ये बोल पाएंगे, एक झारखंडी फिल्म है ये हम कह सकते हैं। तो इसमें आपको क्या संभावना देखते हैं, लड़के लोग जो नए आ रहे हैं उन लोगों ने हमारा कुछ ऐसा प्रयास किया है, कुछ एक दो उदाहरण, एक दो कुछ लोगों के बारे में कुछ जानकारी हो तो बताएं। खासकर अभी जो FTI पुणे SRFTI से जो पढ़ के निकल रहे हैं वो लोग काफ़ी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अगले पाँच साल सात साल होते होते अगर ये लोग एक ग्रुप बना के अगर बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे। अच्छा। खासकर जैसे निरंजन का डिप्लोमा फिल्म, अगर उनका पहाड़ा अगर देखें, अच्छा, या तो उसके ग्रामर और एरपा काना जी, तो ये सब बहुत जबरदस्त है। अच्छा, उसी तरीके से रंजीत का भी है, रंजीत उराव का भी है। हाँ। तो इस तरीके से लोग कर रहे हैं। एक संथाली लड़का है कृष्णा टुडू, अच्छा, वो कैमरा किया है पुणे से FTI से, लेकिन वो महाराष्ट्र की फिल्मों में बहुत नाम कमाया है, बहुत सारे फिल्में शूट किया है और काफी नाम है उसका, जो संथाली लड़का है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी जैसे आदरी ठाकुर है, हरेन ठाकुर का जो बेटा है आदरी ठाकुर, वो भी अच्छा कर रहा है। और
एक समद है लड़का डिब्डी का, अच्छा समद लड़का, उसको 2 साल पहले मिथ में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट कैमरा का अवार्ड मिला। अच्छा। झारखंड में कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। अच्छा। तो है यहाँ काफी क्षमता है, लेकिन इसको हम लोग भी उभार नहीं पा रहे हैं, सरकार की तरफ से भी नहीं हो पा रहा है, कहीं से हो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। और जो मीडिया है हमारा स्थानीय मीडिया को जो थोड़ा साथ देना चाहिए वो भी कहीं पर मतलब चूक जाते हैं, इसको बताने के लिए जो उतना हमको हाईलाइट करना चाहिए उतना नहीं करते, इसलिए भी लगता है कि वातावरण नहीं बनता। और जो हमारे बच्चे हैं युवा वर्ग है खास करके लगता है कि जो मुख्य धारा की जो फिल्में हैं उस पर ज्यादा आकर्षित होते हैं, इसको बदलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा दिक्कत वही है कि यहाँ जो युवा वर्ग है वो वैसे फिल्म देख रहा है और मनोरंजन के तौर तरीके ही देख रहा है, फिल्म देखने का जो नजरिया है वो बदल नहीं पा रहा। तो इसका मतलब क्या है कि हमको दर्शकों के लिए भी वर्कशॉप लगाएं और फिल्म स्क्रीनिंग करें और वहां पर बात करें। अच्छा। ये लगातार होना चाहिए। अच्छा। साल में एक बार होना, 2 साल में एक बार होने से ये समाधान नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कि महीने 2 महीने में ऐसा कार्यक्रम कम से कम साल में कम से कम तो 2 बार तो होना चाहिए, 2 बार कम से कम, 2 बार 3 बार हो जाए तो अच्छी बात है। हर महीना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर साल में 2 बार 3 बार हो जाए तो अच्छा, हम लोग माहौल बदल सकते हैं 3-4 साल में। और उससे क्या होगा कि लोग में समझ बनेगी। अभी क्या हो रहा है, जो ग्लैमर है ग्लैमर के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे जो उसका सांस्कृतिक सामाजिक महत्व है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि उसकी सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है जो फिल्म के, उसको हम युवाओं को अगर बता सके तो लगता है कि एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे। जैसे सत्यजीत रे क्यों बना, इसके पीछे जो है एक बाहर का फिल्म मेकर आया था, जा रानियर नाम है, और वो कलकत्ता आया और वो अपना फिल्म बना रहा था यहाँ आके, और सत्यजीत रे उनसे मिलने गए तो बात कर रहे थे आपस में, और बात करने के दरमियान में उनको बोला गया सत्यजीत को कि आप हॉलीवुड की तरह क्यों सोच रहे हैं, आप अपना फिल्म बनाइए ना, अपना फिल्म। तब वो अपना जो स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था उसको ये किया, और जॉन रेनियर का फिल्म देखिएगा द रिवर, वो देखिए जो घाट है, नदी घाट है, हुगली नदी के घाट में जो लेबर हैं, मजदूर जो मजदूर करते हैं जहाज से जूट फैक्ट्री हाँ, तो वहाँ का जो लेबर लोग काम करते हैं, और दीपावली और होली का जो माहौल में जो शूटिंग है एकदम ट्रेडिशनल शूट, इतना बढ़िया से साउंड, इतना बढ़िया से सारा चीज को शूट किया गया है, वो देखने लायक है। और वहां से जो उस फिल्म को देखिएगा और सत्यजीत रे का फिल्म पथे पचाले देखिएगा, तब समझ में आएगा म्यूजिक का कितना बदल गया सत्यजीत रे। तो सत्यजीत रे तब बना, अगर वो अगर बात नहीं करता इस तरीके से भाई कि आप हॉलीवुड की तरह क्यों सोच रहे हैं, आप अपना फिल्म देखिए। बिल्कुल। तो खासकर मैक्सिकन होगा या ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर, वो लोग भी हॉलीवुड का विपरीत धारा में वो लोग बोलते हैं कि भाई हॉलीवुड का हम लोग को नकल नहीं करना है, अपना फिल्म कैसे हम बनाए, अपना ताकत क्या है, अपना सब्जेक्ट का ताकत क्या है, उसको तलाश है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहाँ झारखंडी फिल्म बनाने के लिए जो झारखंड की जो हमारी सांस्कृतिक या सामाजिक जो या ऐतिहासिक जो ताकत है यहाँ की, उसको अगर हम पहचान के उससे संबंधित अगर फिल्म बनाएंगे तो लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी फिल्में बन सकती हैं। तो बिजू जी, आप हमारे बीच आए, हमारे साथ स्टूडियो में बहुत अच्छी बातें की और हमारे दर्शकों को अपने अनुभव साझा किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को यह पसंद आएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।